हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ चीजें टैनिंग के बारे में। टैनिंग आप सबको पता है, धूप के साथ टैनिंग हो जाती है। और टैनिंग ये बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन उसके साथ बहुत ज्यादा स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती है। आपके फेस के ऊपर छाइयाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं, आपके फेस के ऊपर ना पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स, ना अलग सा ही आपके फेस ना अनइवन स्किन टोन हो जाती है। टैनिंग बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन उसके जो आफ्टर जो उसके साइड इफेक्ट्स है ना, बहुत बुरे हैं। कुछ लोगों के माइंड में रहता है कि हमेशा ना समर्स में ही टैनिंग होती है, विंटर्स में टैनिंग नहीं होती, तो ये चीज़ गलत है। गर्मियों में क्या होता है ना कि हम भर भर के सनस्क्रीन लगा लेते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में ये सेट है कि गर्मियों में बाहर धूप में जाएंगे तो हमें टैनिंग हो जाएगी, तो सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। विंटर्स में क्या होता है कि हमारे माइंड में से ना सनस्क्रीन वर्ड ही हट जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि लाइक विंटर्स में तो टैनिंग हो नहीं सकती, धूप इतनी निकलती नहीं है, तो ये चीज गलत है। अगर आप कमरे में भी अपना बैठे हो ना, तो ये अगर अभी लाइट जल रही है तो इसके अंदर से भी रेज निकल रही है, वो भी आपकी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, धूप में और विंटर्स में हम क्या करते हैं, धूप सेकते हो ना। मैं तो भैया धूप में बैठती हूँ, डेफिनेटली आप बैठते हो, विटामिन डी आपको चाहिए होता है। और ठंड में तो यार थोड़ी सी भी धूप निकल जाए तो हम बैठते हैं, वहां पे हम क्या गलती कर देते हैं, हम सनस्क्रीन नहीं यूज करते, तो उससे क्या हो जाता है, टैनिंग हो जाती है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ, डीआईवाई नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि डीआईवाई बहुत सारे हैं मेरे चैनल के ऊपर। करंटली भी मैंने एक डीआईवाई फेशियल शेयर किया था, फेस पैक शेयर किया था, मैंने 12 अपने स्किन ब्यूटी या स्किन केयर वाली हैक्स वाली वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने बहुत सारे फेस पैक्स वगैरह शेयर किए थे आप लोगों के साथ, वो टोटली डीआईवाई थे। तो दोबारा दोबारा से वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ रेपिटेटिव शेयर करूँ, उससे बेटर एक ऐसा प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो कॉलेज की लड़कियाँ हैं या फिर हॉस्टल की लड़कियाँ हैं, ऑफिस वाले हो, तो आप इसको बस उठाना है एंड अप्लाई करना है। ये प्रोडक्ट है ग्लैम वेदा का ग्लो डी टैन क्रीम है। ये एक तो ये आपकी टैनिंग हटाएगा, दूसरा ये क्या करता है, आफ्टर रिजल्ट इसका बहुत अच्छा है, ग्लोई हो जाता है आपका फेस, बिल्कुल ना नेचुरल ग्लो हो जाता है इसके साथ। और ये जो प्रोडक्ट है या फिर ये जो ब्रांड है, थोड़ा सा आप यूट्यूब पर सर्च करो, इसके ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर ना 2-3 वीडियोज हैं। बट मेरा मन कर रहा था कि मैं विंटर टैनिंग के बारे में कुछ डिस्कस करूँ, क्योंकि मुझे इंस्टा पे कुछ पर्सनल कॉमेंट्स आए थे कि दी टैनिंग हो रही है, विंटर्स में भी टैनिंग हो रही है, तो हम क्या यूज़ करें। तो डियर, आप ये यूज़ कर सकते हो ग्लैम वेदा का ग्लो डी टैन क्रीम। राइट नाउ मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है। अभी मैं इसका रिव्यू शेयर करती हूँ थोड़ा सा, लेकिन पहले इसको फेस के ऊपर अप्लाई कर लें। ये जो प्रोडक्ट है आपको अपने क्लीन फेस के ऊपर अप्लाई करना है। राइट नाउ मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है, कोई मेकअप नहीं है, जस्ट मैंने एक लिप बाम अप्लाई किया है। तो चलो फटाफट से इसको अप्लाई करते हैं। मैं यूज कर रही हूँ ग्लैम वेदा की ग्लो डी टैन क्रीम। इसके अंदर है गुडनेस ऑफ एलोवेरा, मिल्क प्रोटीन, कोजिक एसिड और विटामिन ई। ये आपकी जितने भी टैनिंग है उसको रिमूव करेगा, आपके कॉम्प्लेक्शन को लाइटन अप करेगा, स्किन के टेक्सचर को ब्राइटन अप करेगा, जितनी भी धूप की वजह से आपके मेलेनिन की प्रोडक्शन हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है, वो उसको रिड्यूस करेगा, क्लेंस करेगा आपके पोर्स को, और एकदम हेल्दी और ग्लोइंग स्किन हो जाती है। काफी अच्छा वाला इसका रिजल्ट है, मुझे ये काफी पसंद आ रही है वाली क्रीम। कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आपको ये वाली क्रीम रिसीव होगी, और 2 इयर्स आपको इसकी शेल्फ लाइफ मिल जाएगी। 50 ग्राम की पैकेजिंग है एंड प्राइस इज 299 रुपीज। राइट नाउ इसके ऊपर सेल चल रही है, 50% ऑफ है, तो आपको मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ग्लैम वेदा की ग्लो डी टैन क्रीम को आपने एक फेस पैक की तरह अप्लाई करना है, जैसे हम फेस पैक को एक थिक लेयर अप्लाई करते हैं, इवनली अप्लाई करते हैं अपने फेस के ऊपर, बिल्कुल वैसे ही। और 10 मिनट्स के लिए आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो मैं जस्ट अपने फेस के ऊपर अप्लाई करूँ, और इसकी इतनी ठंडक वाली इसकी प्रॉपर्टीज है ना, जब आप इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करोगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपके ओपन पोर्स की आपको प्रॉब्लम है, अगर आपके पोर्स बहुत ज्यादा विजिबल है, तो वो भी मिनिमाइज हो जाते हैं, जो इसके अंदर एक और बेनिफिट है। टैनिंग तो ये हटाता ही है, स्किन के ऊपर एक नेचुरल ग्लो आ जाता है। मैंने इसको अप्लाई कर लिया, 10 मिनट के लिए इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। 10 मिनट्स के बाद आप देख लो, थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, स्किन के अंदर थोड़ा सा अब्सॉर्ब होने लग जाएगा। फिर मैं यूज कर रही हूँ ग्लैम वेदा की एलोवेरा एंड नीम जेल। ये आपकी लाइट हाइड्रेटिंग फेशियल जेल है।
आप इस जेल को अपने फेस पे, हेयर्स पे, आप इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। नीम इसके अंदर है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि मुझे ना समटाइम्स पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो नीम और एलोवेरा मेरे लिए बड़े सेफ वाले इंग्रीडियंट्स हैं जो मेरे पिंपल्स के ऊपर भी काम करते हैं, हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ में एलोवेरा आप अगर आपके स्किन के ऊपर कोई इरिटेशन है, सनबर्न है, रैशेज है, रेडनेस, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर आप ये आपके ना कोलाजन की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, जिससे आपकी स्किन एकदम हेल्दी लगती है, ग्लोइंग लगती है, प्लम्प लगती है। अगर आपके ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, जो मैंने अभी मेंशन किया, तो ये उसके ऊपर काम करते हैं। इसके अंदर पैराबेंस नहीं है, मिनरल ऑयल्स नहीं है, सिलिकॉन्स नहीं है। 10 मिनट्स ग्लो डी 10 क्रीम को अपने फेस के ऊपर मैंने रख लिया, एंड उसके बाद अब मैं यूज कर रही हूँ ग्लाम वेदा की एलोवेरा प्लस नीम जेल। काफी अच्छी वाली जेल है। अगर आपके पिंपल्स, एक्नेस की अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप ये वाली जेल यूज कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ एलोवेरा जेल नहीं है, इसके अंदर नीम की भी प्रॉपर्टीज है, विच इज अगेन अ गुड थिंग। अच्छे से मैं इसको मसाज करूंगी, ताकि जो मेरी डी 10 क्रीम मैंने लगाई है, उसका और असर हो सके मेरी स्किन के ऊपर, एंड थोड़ा सा ना मेरी स्किन के ऊपर जितनी भी डेड स्किन है, टैनिंग है, वह थोड़ी सी मेल्ट आउट हो सके। एंड उसके बाद मैं एक वेट वाइप्स लूंगी, मैं अपने फेस को क्लीन करूंगी, ठीक है। मसाज का जो प्रोसेस था ना एलोवेरा जेल के साथ, वो आपने कम से कम 5-7 मिनट के लिए करना है अच्छी तरह से, फिर मैं इसको रिंस आउट कर दूंगी अपने फेस को पानी के साथ, सिंपल पानी के साथ। आपने कोई सोप नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। लुक एट माई स्किन, सो हाइड्रेटिंग, सो क्लीन, बिल्कुल भी इसके अंदर डेड स्किन नहीं आपको नजर आएगी, टैनिंग नहीं नजर आएगी, एकदम स्किन साफ हो जाएगी। ये तो रहा स्किन को क्लीन करने का, अब थोड़ा सा स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं। फेस की टैनिंग हटाने के बाद मैं यूज कर रही हूं ग्लैम वेदा का डीप हाइड्रेशन शीट मास्क। ग्लैम वेदा के शीट मास्क मस्ट ट्राई गाइस, इनके बहुत ही अच्छी क्वालिटी के शीट मास्क होते हैं, एंड ये वाला शीट मास्क मैंने पर्ल वाला यूज किया है आज। माय गॉड, इसके अंदर इतना सीरम था, अब देख सकते हो मेरा हाथ देख सकते हो, और ये शीट मास्क इतना ज्यादा ना गुई इन टेक्सचर था, गुई इन द सेंस की फुल ऑफ सीरम था, कि मुझसे पकड़ा भी नहीं जा रहा था, स्लिप हो रहा था मेरे हाथ से। एंड जस्ट इसको मैं अप्लाई करूंगी, 15 मिनट्स के लिए मैं अपने फेस के ऊपर शीट मास्क लगा के छोड़ दूंगी, और ट्रस्ट मी, मेरी स्किन इतनी हाइड्रेटेड, प्लम्प लग रही थी, और मुझे काफी अच्छा लगा। एंड जो आपके हैंड्स के ऊपर सीरम होता है ना, उसको फेंका नहीं करो, आप उसको आईज एरिया के पास, आप उसको अपने लिप्स के ऊपर, मैं तो अपने हैंड्स के ऊपर, सब जगह आपने मसाज करना। ये जो सीरम होता है, अगर आपको पैकेट में भी थोड़ा सा जो भी बचा होता है ना, उसको निकाल के ही आप उसको आराम से यूज कर लिया करो, फेंका मत करो यार। एंड लुक एट माई स्किन, ओहो सो हाइड्रेटेड। आफ्टर 15 मिनट्स मैंने इसको रिमूव किया, एंड जो सीरम होता है ना आपके फेस के ऊपर, आपने मसाज करना, आप देखोगे आपका कोलाजन बूस्ट हो जाएगा, आपकी स्किन डीपली हाइड्रेटेड हो जाएगी, टैनिंग भी हटा ली, स्किन को मॉइस्चराइज भी कर लिया, तो आज की स्किन केयर रूटीन बिल्कुल कंप्लीट हो गई विंटर वाली। फिर मैंने यूज किया ग्लैम वेदा का शीट मास्क, बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाला शीट मास्क, इनकी शीट्स बहुत अच्छी वाली क्वालिटी की हैं, सीरम लाइक फुल ऑन सीरम है इसके अंदर। पर्ल शीट मास्क मैंने यूज किया, जिसके अंदर व्हाइटनिंग, ब्राइटनिंग, ल्यूमिनस स्किन एंड हेल्दी ग्लो की प्रॉपर्टीज हैं। वैसे इनके और भी बहुत सारे शीट मास्क हैं गाइस, मैंने एक डिटेल में वीडियो शेयर की हुई है इनके, आई गेस बहुत सारे शीट मास्क हैं, आप देख सकते हो करंटली। आप ये भी यूज कर सकते हो, कोलाजन वाला, मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी वाला, कैवियर वाला, तो आप कोई भी शीट मास्क इनके यूज करो, आपको रिजल्ट ऑसम ही मिलने वाला है। एक बार मैं आपको फिर से मेंशन कर दूंगी, सारे प्रोडक्ट्स ग्लैम वेदा के जो भी हैं, आपको 50% ऑफ तक मिल जाएंगे, सिर्फ 2 दिन की सेल है, उसके बाद फिर ये अपने ओरिजिनल प्राइस पे आ जाएंगे। तो अगर आप लेना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली राइट नाउ ले सकते हो, लिंक मैंने आपको डाल दिया है। गाइज, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स सबके साथ शेयर कर देना, परचेज लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए। सो टिल देन।